हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे आईएएस ऑडिट प्रोसेस और उसमें ऑडिट एविडेंस पढ़ रहे थे। और हमने ये जाना था कि ऑडिट एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट एविडेंस के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। हम ये जानते हैं कि ऑडिट एविडेंस के बिना वो रॉ मटेरियल, ऑडिट एविडेंस वो रॉ मटेरियल जिससे हमारी ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। हमने ये जाना था, यहाँ पर एक पढ़ने का रीज़न ये था कि ऑडिट जो एविडेंस है वो यहाँ पर डिफरेंट काइंड का हो जाता है, यानी कि लॉजिकल और फिजिकल दो भागों में बढ़ जाता है। लॉजिकल एविडेंस के बारे में बढ़ जाना था, फिजिकल एविडेंस के बारे में हमने जाना था। और हमने कहा था कि प्रोसीजर्स भी अलग टाइप के हो जाते हैं, लॉजिकल प्रोसीजर्स हो जाएंगे, फिजिकल प्रोसीजर्स हो जाएंगे। सब्सटेंटिव और कंप्लायंस प्रोसीजर तो होते ही होते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर लॉजिकल भी हो जाएगा, फिजिकल भी हो सकता है। कंप्लायंस प्रोसीजर लॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। अब आप और जैसे ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, इंक्वायरी, इंटरव्यूज़, वो तो फिजिकल होंगे, आप फिजिकली बैठोगे। लेकिन कई टाइप के अगर कोई चीज़ ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे होगे, कोई चीज़ इंस्पेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो लॉजिकली इंस्पेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो, सिस्टम के अंदर घुसकर इंस्पेक्ट करने की कोशिश की जा सकती है। तो यानी वहाँ लॉजिकल इंस्पेक्शन है उस केस में, कई जे में फिजिकल इंस्पेक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को देखोगे तो लॉजिकली घुसोगे, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करोगे, सिस्टम में लॉजिकली घुसकर उस सिस्टम को देखने की कोशिश करोगे और उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर्स लेके एविडेंस लेने की कोशिश करोगे। यानी कि लॉजिकल एविडेंस होगा, फिजिकल एविडेंस होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 हमें ये बताता है कि जो कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि वो एनवायरनमेंट जहाँ पर एक कंप्यूटर आ गया, एक या उससे ज़्यादा कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर भी आ गया तो लॉजिकल आपका आईटी एनवायरनमेंट स्टार्ट हो जाता है। 100% आईटी एनवायरनमेंट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक नहीं आई है। जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, हमारे स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाएंगे, हमारे सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, सारी चीज़ें लॉजिकल होंगी, फिजिकल नहीं होगी। लेकिन चूंकि आज यहाँ मैनुअल भी है, फिजिकल भी है, लॉजिकल भी है, जब भी हम फाइनल अपनी ओपिनियन बनाएंगे तो वो सारी चीज़ों को मिला के बनाएंगे, कोरैबोरेट करेंगे सारी चीज़ों को, और कोरैबोरेट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। और हमने ये भी जाना था कि ऑडिट एविडेंस जब हम ले रहे हैं तो उसमें टाइम्स, लॉजिकल ऑडिट एविडेंस, पर्टिकुलरली लॉजिकल ऑडिट एविडेंस में टाइम स्टैंपिंग होना बहुत जरूरी है, सोर्स ऑफ एविडेंस बहुत जरूरी है। तो सोर्स कैसे आइडेंटिफाई होगा? लॉजिकल एविडेंस है, बाद में मिट सकता है, बाद में चेंज किया जा सकता है। पर्टिकुलरली प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? कंपनी के अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, कंपनी ने डेवलप किया है, लॉग्स बने हुए हैं, लॉग्स ही चेंज हो गए मालूम पड़ा बाद में। तो आप क्या करोगे, उसका एक तरीका यह है कि जो भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हो उस सिस्टम से आप कहो इसी में एक अटैच्ड मेल से हमको फॉरवर्ड हो। तो यानी कि वो मेल के थ्रू आपके पास फॉरवर्ड होगा, तो उसमें टाइम स्टैम्प आ जाएगा। जब आप ऑर्डर वो जब आप कोई ERP से डाउनलोड करते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली नीचे लिखा आ जाता है, डाउनलोडेड एट इतना टाइम बाय दिस ID, ये आ जाता है, इस ID ने इतने टाइम पर इसको डाउनलोड किया करके आ जाता है। लेकिन आपको रिलायबिलिटी चाहिए, आप क्या करोगे, उसको सीधे इंपोर्ट करवा दोगे। तो लॉजिकल एविडेंस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए स्किल्स और कॉम्पिटेंस अलग होने चाहिए। इसके अलावा हमारे ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को भी एक्सटेंड किए जा सकते हैं। यानी कि ऑडिट एविडेंस सफिशेंट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए और रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें उससे। कंप्लायंस प्रोसीजर से हम रीजनेबल एश्योरेंस ड्रॉ कर सकें कि इंटरनल कंट्रोल जिसमें रिलायंस हमने ऑर्गेनाइजेशन ने प्लेस किया इफेक्टिव है। अगर इफेक्टिव नहीं है तो ऑडिटर को पता होना चाहिए, उसके पास उसके रिगार्डिंग एविडेंस होना चाहिए। इसी तरह सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कर रहे हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन ही नहीं देख रहे हैं उस टाइम पर। हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर इसलिए करते हैं कि कई बार कंट्रोल्स की चेकिंग के लिए, कि कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और वैलिडिटी चेक करने के लिए, इंटरनल कंट्रोल्स की, एग्जिस्टिंग इंटरनल कंट्रोल्स की, आप ये देखते हो कि ये सही है कि नहीं सही है। यानी कि अब आप किसी प्रोसेस को ऑडिट कर रहे हो, उस प्रोसेस के थ्रू हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शन चलेंगे। कई बार क्या होता है, आप ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करते हो ये देखने के लिए कि प्रोसेस सही है कि नहीं सही है। अगर आपको पता है कंट्रोल्स वीक हैं तो आपको पता है कि गड़बड़ी होगी। अब आपका इंटेंशन चेंज होता है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आप इसलिए अप्लाई करते हो कि आप एरर्स ढूंढने की कोशिश करते हो, आप ट्रांजैक्शन लेवल पर जाना पड़ेगा। आपको पता है कि ट्रांजैक्शन लेवल पर जाना है क्योंकि कंट्रोल्स वीक हैं, लेकिन कई बार आपको लगता है कंट्रोल स्ट्रांग है, गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर इसलिए आप अप्लाई करते हो ताकि आपका फेथ
उस पर जो फेथ बना है, जो आपका लॉजिकल फेथ, मतलब फेथ का यूज़ नहीं होता, साइंटिफिक तरीके से आपको सोचना है, तो आपका जो साइंटिफिक तरीके से आप जो सोच रहे हो और जिसकी रीजन ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं उसके अनुसार आपको एक विश्वास हुआ है कि भाई ये एक्सपीरियंस की वजह से विश्वास हुआ, वैसा विश्वास नहीं, अंधविश्वास नहीं, एक्सपीरियंस की वजह से लॉजिकली विश्वास हुआ है कि हाँ ये कंट्रोल स्ट्रांग है, लेकिन आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर करते हो ताकि डबल उसको आइडेंटिफाई कर सको, डबल उसको उस चीज़ को डबली कोराबरेट कर सको। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस के बारे में बात की थी। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस हमने बोला था कि एक तो क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस देखना पड़ेगा हमें, कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस में हमने ये बोला था कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो ऑडिट एविडेंस बोले, ऐसा ना हो कि शर्लॉक होम्स लाना पड़े ऑडिट एविडेंस को बुलाने के लिए। इंडिपेंडेंस होना चाहिए उस ऑडिट एविडेंस में, उसमें टाइमिंग हम देखेंगे। तो ये दूसरी बात ये है कि टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, आप जैसे ऑब्जर्व्ड प्रोसेसेस है, आप देख रहे हो कि फिज़िकल आइटम्स है, जब फिज़िकल आइटम है आपकी, आप कंप्यूटर वहाँ जा रहे हो, आप सपोज़ सर्वर रूम में जा रहे हो, वहाँ सर्वर है, लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर आप नहीं देख सकते, उसके लिए लॉजिकली सिस्टम के अंदर देखना पड़ेगा, लेकिन जब लैपटॉप को ओपन करोगे तो आपका विंडो काम करना चाहिए, आप ये विंडो अगर काम है उसमें इंस्टॉल्ड है तो इसका मतलब है। नो डाउट आजकल सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे कि आप इन्वेंटरी ले सकते हो, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की इन्वेंटरी ले सकते हो, वो बेटर तरीका है, लेकिन फिजिकली भी तो होना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन करोगे, आप जाओगे कंप्यूटर रूम में, जाओगे इन्वेंटरी देखोगे, कंप्यूटर रूम की सिक्योरिटी देखोगे, आप ये देखोगे फिजिकल काउंट है कि नहीं, फिजिकली काउंट करोगे, पहले लॉजिकली आपने एक चीज़ तैयार कर ली, लॉजिकली पूरी लिस्ट तैयार कर ली। सपोज़ आजकल सॉफ्टवेयर्स आते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं कि आपको सिस्टम में लगा दिए जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली देखते जाएंगे कौन कौन सा जो जो सिस्टम आता जाएगा उसका रिकॉर्ड बनाते जाएंगे, तो आप फिजिकली भी उसको देखोगे, लॉजिकली भी देखोगे और दोनों को मैच करोगे। तो ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन, एक तरह का ऑडिट एविडेंस हो गया, आपने एक मिनिमम कन्फर्मेशन ले ली, आपने कहा कि ये चीज़ दी, आप गए वहाँ पर, आप फिजिकली ऑब्जर्व किया, फिजिकल काउंट बना लिया उनका, फिजिकल काउंट बना के मेल कर दी डिपार्टमेंट को, जी मेरे को इतने दिखे, आप तो इतना कह रहे थे। कई बार क्या होता है डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, कई बार ऑडिटर क्या करता है दो चार चीज़ें कम, अगर मान लिया सपोज आप ऑब्जर्वेशन को डॉक्यूमेंट करना चाहते हो तो आप वहाँ जाओ, उस रूम में जाओ और उन सारी चीज़ की इन्वेंटरी ले लो और दो कम करके आईटी डिपार्टमेंट को बता दो कि नहीं ये दो कम है, तो आईटी डिपार्टमेंट दौड़ा दौड़ा आएगा, कहेगा चलो फिर से फिजिकली काउंट करते हैं, और फिर से फिजिकल काउंट होगा, आप कहोगे ओके सेटिस्फाइड, एक मेल और डाल दोगे, तो वो डॉक्यूमेंट हो गया। तो ऑब्जर्व्ड प्रोसेस को आप डॉक्यूमेंट करोगे तो वो क्वालिटी ऑफ एविडेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जैसे पेपर या मीडिया, इन्वॉइसेज होते हैं, अगर मान लिया सिस्टम डेवलप हो रहा है तो सिस्टम डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है, लॉग्स होते हैं, प्रोग्राम की लिस्टिंग होती है, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड होते हैं, और अगर डेटा एक्सट्रैक्ट करो उसका रिकॉर्ड होता है कि इस आदमी ने, इस आईडी ने इस जगह से डेटा निकाला और इसको ये मेल गया, तो यानी डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस हो सकते हैं। उसके अलावा क्या है, रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, रिप्रेजेंटेशंस में क्या होता है कि मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन होती है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड हमें बताता है कि मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, अगर किसी चीज़ में आपको डाउट है तो मैनेजमेंट से एक रिप्रेजेंटेशन लेटर मांग लो। पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होती हैं, सिस्टम के फ्लो चार्ट होते हैं, और उसके अलावा कई बार ओरल स्टेटमेंट्स होते हैं, कई बार रिटन स्टेटमेंट होते हैं, ओरल स्टेटमेंट को आपको डॉक्यूमेंट जरूर करना है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन होते हैं। मैनेजमेंट के साथ आप बैठते हो, मीटिंग करते हो, तो वो एक तरह से ओरल रिप्रेजेंटेशन, ओरल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मीटिंग होने के बाद एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बना दो और उसको कंप्लीट कर लो। कई बार क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ करते हो, एनालाइज करते हो इन्फॉर्मेशन को, या दूसरे तरीके से एनालाइज कर रहे होते हो, सिमुलेशन करते हो, कैलकुलेशन करते हो, पाई चार्ट बनाते हो, बार चार्ट बनाते हो, ग्राफ बनाते हो, उसको ऑडिट एविडेंस के साथ यूज़ कर सकते हो। कई बार आप बेंचमार्क करते हो, कई बार एरर रेट्स को कंपैरिजन करते हो, पिछले और अब से कंपैरिजन करते हो। तो बेसिकली जब आप बेंचमार्किंग कर रहे हो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, या पास्ट पीरियड से, या बेंचमार्किंग के स्टैंडर्ड्स मंगा रहे हो, या बेंचमार्क करके मंगवा रहे हो, तो वो एक ऑडिट एविडेंस हो जाता है। एरर रेट्स देख रहे हो तो वो एक और ऑडिट एविडेंस हो जाता है। अब क्या है कि ऑडिट एविडेंस, जैसा मैंने कहा, अवेलेबिलिटी ऑडिट एविडेंस की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, डॉक्यूमेंट पहले मैनुअल इन्वायरमेंट में था, ऑडिट एविडेंस इजीली अवेलेबल था और उसकी ट्रेल भी रहती थी,
आप चीज़ों को डॉक्यूमेंट भी कर लेते थे। फिर एक मिडिल पीरियड आया जब आईटी नया नया आया, उस टाइम पर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आप क्या करने लगे कि अगर आपको सपोज़ इनिशियली क्या होता था, कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आईटी वगैरह है तो वो क्या करते थे, सॉफ्ट कॉपी रख लेते थे सारे आपके एग्रीमेंट्स की। तो उन्होंने कहा जी एग्रीमेंट जी ऑडिटर, उन्होंने कहा जी इसमें देख लो सारे, आपने कॉपी पेस्ट किया अपने पास रख लिया, उसके फिज़िकल आपने एग्रीमेंट्स एक बार चेक कर लिए, उसके बाद आपके पास लॉजिकल एग्रीमेंट्स हो गए यानी कि सॉफ्ट कॉपी होगी एग्रीमेंट्स की। तो लेकिन आईटी और आगे बढ़ा, प्रोसेसिंग सारी कंप्यूटर से होने लगी, अब आपको लॉजिकली कंप्यूटर के अंदर घुसना था और उसकी ट्रेल गायब हो जाती थी। मालूम पड़ा आज की डेट में उसमें फायरवॉल नहीं लगा हुआ है, मालूम पड़ा आज की डेट में पैरामीट्रिक सेटिंग सही नहीं है। इंटरनल कंट्रोल्स देखोगे, जब आप कंप्लायंस टेस्टिंग करोगे तो इंटरनल कंट्रोल्स देखोगे। इंटरनल कंट्रोल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरनल कंट्रोल्स जब आप देखोगे तो सॉफ्टवेयर की देखोगे, सॉफ्टवेयर में पैरामीट्रिक सेटिंग्स देखोगे और बाकी सारी चीज़ें देखोगे। लेकिन क्या होता है कि आपको कई बार उसको डॉक्यूमेंट करना मुश्किल होगा, बाद में उसी टाइम कर सकते हो, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और लॉजिकल ऑडिट एविडेंस में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी बात, ऑडिट एविडेंस का सिलेक्शन, ऑडिट एविडेंस अप्रोप्रिएट रिलायबल सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए। कई बार अप्रोप्रिएट एविडेंस ओरल रिप्रेजेंटेशन के रूप में होता है लेकिन फिर उसके बाद वो कोरैबोरेट किया जाता है अल्टरनेटिव एविडेंस से, उसे कोरैबोरेट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए क्या है कि आपको प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, मतलब इंक्वायरी करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, इंस्पेक्शन करोगे, कंफर्मेशन करोगे, रीपरफॉर्मेंस करोगे, रीकैलकुलेशन करोगे, मॉनिटरिंग करोगे। और रीपरफॉर्मेंस और रीकैलकुलेशन के बीच में मैं डिफरेंस बता चुका हूँ, वैसे तो दोनों सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन रीकैलकुलेशन फिर से कैलकुलेट कर रहे हो, रीपरफॉर्मेंस परफॉर्म फिर से कर रहे हो, तो प्रोसेसेस पर की परफॉर्मेंस फिर से करके देख रहे हो, तो वो कंप्लायंस की तरफ ज़्यादा उसका एक झुकाव है। अगर मतलब याद करने हो तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ऑडिट प्रोसीजर क्या है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ऑडिट प्रोसीजर्स हमने बोला कंप्लायंस और सब्सटेंटिव है, नेचर से हमने डिफाइन की। या ऑडिट प्रोसीजर अगर हम सिंपल वे में कहें तो इंक्वायरी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं, कई बार क्वेश्चनर दे देते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, जाकर चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं, ये मैनुअल है, कन्फर्मेशन करते हैं, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेटर लेते हैं, रीकैलकुलेशन करते हैं, रीपरफॉर्मेंस करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं। कई बार क्या होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा देते हैं, या हम ऑडिट मॉड्यूल्स कंटिन्यूस और इंटरमीटेंट सिमुलेशंस का यूज़ करने लगते हैं, या एक एम्बेडेड ऑडिट मॉड्यूल का यूज़ करने लगते हैं, वहाँ पर एम्बेडेड होता है, ऑडिट मॉड्यूल अंदर लग जाता है और उस ऑडिट मॉड्यूल हमें कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो मॉनिटरिंग कर रहे तो होते हैं। तो ये था ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिट एविडेंस के हर स्टेजेस पर अलग टाइप का ऑडिट एविडेंस है जो कि हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। अलग अलग टाइप के ऑडिट एविडेंस हो सकते हैं, ऑडिट एविडेंस की अलग अलग क्वालिटी हो सकती है, और ऑडिट एविडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आईएएस ऑडिट में। लॉजिकल ऑडिट और फिजिकल ऑडिट दो चीज़ होते हैं, और जैसे जैसे कंपनी का सोफिस्टिकेशन बढ़ता जाता है, आईटी मैच्योरिटी बढ़ जाती है, लॉजिकल ऑडिट ज़्यादा होता चला जाता है। और ऑडिट एविडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑडिट एविडेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑडिट एविडेंस वो रॉ मटेरियल है जैसे ओपिनियन आएगी, ये हम जान चुके हैं। तो और ऑडिट एविडेंस किस तरह का होना चाहिए, कंप्लीट एक्यूरेट वैलिड ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सही होना चाहिए। मतलब ऑडिट एविडेंस ऐसा होना चाहिए कि हम एविडेंस सामने खोल कर रखें ऑटोमेटिकली पता चल जाए। मैनेजमेंट कई बार बोले कोई फ्रॉड हुआ है तो आप बोलो, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सर ये डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन सामने रखना है और पता चल जाएगी फ्रॉड है कि फ्रॉड नहीं है। इसके बाद ऑडिट एविडेंस हो गया, इसके बाद आपने ऑडिट ओपिनियन देनी है यानी कि ऑडिट रिजल्ट देना है, यानी कि रिपोर्टिंग करनी है, यानी ऑडिट रिपोर्ट देनी है। ऑडिट रिपोर्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट होता है, हमें पता है उसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें की फाइंडिंग और रिकमेंडेशन होता है, और जो भी आपका ऑडिट ऑब्जेक्टिव है उसी के अनुसार वो फाइंडिंग्स होंगी, और
आप ये बताओगे कहाँ कंट्रोल है, कहाँ कंट्रोल वीकनेसेस हैं, कहाँ कहाँ चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, क्या आपकी ओपिनियन है, क्या प्रैक्टिसेस हैं, कौन सी गलत प्रैक्टिसेस हैं, कौन सी सही प्रैक्टिसेस हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि बाकी चीज़ें तो हमें पता है, बहुत सारे ऑडिटर्स ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, लेकिन जनरली आईटी के फील्ड में और वैसे भी आपको एक रैंकिंग कर देनी चाहिए, हाई मीडियम लो फाइंडिंग को आपने रैंक कर देना चाहिए कि हाई प्रायोरिटी है, मीडियम है, लो है, अगर ज़्यादा रिस्क है तो हाई उसको उसमें भी ABC एनालिसिस कर देना चाहिए एक तरह से। तो आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, जहाँ पर मैनेजमेंट को ज़्यादा ध्यान देना है वहाँ पर हाई कर दीजिए, नहीं तो मीडियम कर दीजिए, नहीं तो लो कर दीजिए। अरे ये जो आप ये करोगे रिस्क बेस्ड करोगे, यानी कि रिस्क बेस्ड अप्रोच करोगे। और दूसरी बात सबसे पहले है कि ऑडिट को फाइनल रिपोर्ट देने के लिए एक इंटरिम रिपोर्ट दो और उसको आप फीडबैक लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑडिटर क्या है कि फीडबैक नहीं लेता है, तो कई बार क्या है कि नीचे के डिपार्टमेंट वाले काफ़ी चालाक होते हैं, वो उन्होंने कई चीज़ें दी नहीं होती हैं, कई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है, तो वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो आप उनसे फीडबैक लोगे तो वो उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें निकाल कर आपको दिखाएंगे। तो आप ये कह सकते हो यार ये मैं तुम्हें डिस्क्लेम करने वाला था, या कई बार आपकी जो ओपिनियन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और फीडबैक लेने से क्या होगा कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आप कहोगे अगर कोई चीज़ होगी तो कहोगे मेरे पास तो ये ऑडिट एविडेंस है, आपने तो ऑडिट एविडेंस नहीं दिखाया, मैंने तो रिपोर्ट भी भेजी, इंटरिम रिपोर्ट, आपसे फीडबैक लेने की कोशिश भी की। तो बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट में हम जानते हैं कि स्कोप ऑब्जेक्टिव तो होता ही है, उसके अलावा बाकी क्या एक्टिविटी परफॉर्म की एक हल्का सा वो होता है, और बेसिकली क्या है कंक्लूजन, फाइंडिंग और रिकमेंडेशन होंगे उसमें। और सबसे बड़ी बात, ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि कितनी फाइंडिंग्स, आप नंबर ऑफ फाइंडिंग्स का मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कंट्रोल्स, कहाँ कंट्रोल्स वीक हैं, आपने जहाँ कंट्रोल्स वीक आइडेंटिफाई किए वो अच्छी ऑडिट फाइंडिंग है। अगर मान लिया एक प्रोसेस है और उसमें कोई गलती नहीं कर रही है, लेकिन वो प्रोसेस में वीकनेसेस हैं जो जिसमें कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इसको समझने के लिए एक इस तरह से समझिए कि ऐसा होता है कि नोबेल प्राइज़ मिलता है, नोबेल प्राइज़ जो है लोग दर्जनों आविष्कार करते हैं उसमें नहीं मिलता है, नोबेल प्राइज़ आपको मिलेगा थ्योरी में मिलता है। अगर आपने ग्रेविटी ढूंढ निकाली, वैसे ग्रेविटी में नहीं मिला, लेकिन अगर ग्रेविटी का फॉर्मूला ढूंढ निकाला, ग्रेविटी इज इक्वल टू gm1m2/r², तो आपको नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा, क्योंकि उस पर अरबों एप्लीकेशंस काम करेंगे, हर रोज एप्लीकेशंस काम करेंगे, वो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपने कोई स्पेस टाइम में कोई थ्योरी निकाल दी, जैसे आइंस्टीन ने E=mc² निकाला, तो वहाँ पर उसे नोबेल प्राइज़ मिला क्योंकि उस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हजारों एप्लीकेशंस बनते हैं। इसी तरीके से ऑडिट रिपोर्ट में होता है, ऑडिट में क्या है कंट्रोल्स, प्रोसेसेस सही हैं कि नहीं सही हैं, क्योंकि एक बार प्रोसेसेस हैं तो उसमें हजारों ट्रांजेक्शन्स निकल सकते हैं, करोड़ों ट्रांजेक्शन्स निकल सकते हैं। अगर आपके पास एक ERP है उसमें स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हैं, तो फिर उसमें डेटा डालते जाओ, वो सही तरीके से प्रोसेस करता जाएगा। एक डेटा डालो या 1 करोड़ डेटा डालो कोई फ़र्क नहीं, वो प्रोसेस सही तरीके से करेगा। कई बार क्या होता है 1 और 1 करोड़ में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, कई बार क्या होता है कि फिर आपको बैकअप्स उसी तरीके से बनाने पड़ते हैं, क्योंकि 1 करोड़ डेटा रखने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, उसको रखने के लिए, उसको एक सिक्योरिटी का अलग पैराडाइम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जनरली क्या है कि आप उस ERP से फिर प्रोसेसिंग कर सकते हो, उसके कंट्रोल्स पर आप रिलाई कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि कितने एरर हुए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कंट्रोल्स कहाँ पर वीक हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर कंट्रोल वीकनेसेस हैं तो सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, और कंट्रोल वीकनेसेस नहीं है तो सिस्टम में प्रॉब्लम कम आएगी, और आएगी भी तो बहुत कम आएगी। तो पहली प्रायोरिटी है कि कंट्रोल सिस्टम की क्वालिटी क्या है। तो कहने का मतलब यह है आप रिपोर्टिंग की क्वालिटी कंट्रोल से डिटरमाइन होती है। दूसरी बात यह इंपॉर्टेंट भी है, यह और इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि ऐसा है कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट कम फ्रॉड कर सकता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ज़्यादा फ्रॉड कर सकता है, बड़े मात्रा में पैसा फ्रॉड कर सकता है। तो लोअर मैनेजमेंट के बारे में ये आपको बताते हैं कि लोअर मैनेजमेंट की सच्चाई क्या है, नहीं हायर मैनेजमेंट की सच्चाई क्या है, उसकी स्किल्स और कॉम्पिटेंस क्या हैं,
क्या वो उसने स्ट्रॉन्ग लगाए कंट्रोल्स लगाए कि नहीं लगाए, क्या वो कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कल की डेट में क्या है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो बेसिकली लोअर मैनेजमेंट धीरे धीरे ऑटोमेट होता चले जाएगा और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बचेगा। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल्स, ऑल अबाउट रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की होती है। तो आप क्या इवेल्युएट करोगे, दो चीज़ इवेल्युएट करोगे, पहले वो मैनुअल्स या वो डायरेक्टिव कंट्रोल्स देखोगे, पढ़ोगे उनके बारे में। आप ये देखोगे सिस्टम फ्लो कैसे हो रहा है, एंटरप्राइज की रिसोर्स को कैसे प्लान कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम का फ्लो कैसे हो रहा है। तो फ्लो चार्ट्स, नैरेटिव फॉर्म्स, उसके अलावा आपके डायग्राम्स, प्रोसेस डायग्राम्स, उसके अलावा आपके पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, इन सब चीज़ों को देखोगे। और फिर आप क्या करोगे, जो कंट्रोल्स पॉइंट की इफेक्टिवनेस देखोगे कि वो इफेक्टिव हैं कि नहीं है, और वीक कंट्रोल्स हैं उन्हें डॉक्यूमेंट कर दोगे। लेकिन उसके लिए क्या है, सब्सटेंटिव और कंप्लायंस प्रोसीजर आप लगाओगे। तो यानी कि आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी कंट्रोल्स को चेक करने के लिए। पहला चीज़ तो डॉक्यूमेंटेशन, डायरेक्टिव कंट्रोल्स देखना पड़ेगा, पॉलिसीज़ देखनी पड़ेगी, प्रोसीजर्स देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा, स्कोप देखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स देखने पड़ेंगे, उसके अलावा प्रोसेस डायग्राम देखने पड़ेंगे, प्रोसेस फ्लो चार्ट देखने पड़ेंगे, डेटा फ्लो डायग्राम्स देखने पड़ेंगे। आप प्रोसेस को समझ लोगे, एक बार प्रोसेस को समझ के आप कंप्लायंस और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे, और कंप्लायंस और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करके आपको पता चल जाएगा की कंट्रोल्स की पावर कितनी है, एफिकेसी कितनी है, मतलब की कंट्रोल्स काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। तो ऑडिट रिपोर्ट के बारे में हमें बताया, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में हमें ज़्यादा जानना भी नहीं, और ऑडिट एविडेंस के बारे में भी हमें बताया, ऑडिट एविडेंस में बस इतना है लॉजिकल और फिजिकल होता है। ऑडिट रिपोर्ट क्या है कि लॉजिकल आप कह नहीं सकते, फिजिकल ही कह सकते हैं, वैसे आजकल क्या है मेल के थ्रू ऑडिट रिपोर्ट भेजी जा सकती है, लेकिन वो ऐसा है फिजिकली आप पुराने समय की तरह जैसे आप टाइप किया करते थे वैसे ही टाइप किया करोगे, उसको प्रायोरिटाइज़ करोगे, उसमें फीडबैक मांग लोगे, उसको हाई लो मीडियम करोगे, उसके बाद क्या फाइनल एक ऑडिट रिपोर्ट आप भेजोगे, उसके बेसिस पर आपका उसके पीछे आपका ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, क्वालिटी एविडेंस होना चाहिए आपके पास। अगर क्वालिटी एविडेंस नहीं है तो कोरैबोरेट हो, तीन तीन चार चार चीज़ें मिलकर एक क्वालिटी एविडेंस बना दें। उसके अलावा क्या है कि कंट्रोल वीकनेसेस आप उसमें रिपोर्ट करोगे, कंट्रोल वीकनेसेस का मतलब ये है कि आप ये नहीं करोगे कि ये नंबर ऑफ एरर्स निकले, आप ये कहोगे कि एरर्स क्यों हो रहे हैं, कहाँ से एरर्स हो रहे हैं, कहाँ से कंट्रोल्स की लैक्सिटी है, किस तरह से सिस्टम को सुधारा जा सकता है। क्योंकि एक बार सिस्टम बन गया तो उस सिस्टम से हज़ारों ट्रांजेक्शन, लाखों ट्रांजेक्शंस निकलेंगे। तो आप क्या है डायरेक्टिव पॉलिसी देखोगे, पॉलिसी प्रोसीजर कंट्रोल, पॉलिसी प्रोसीजर्स पढ़ोगे, उनको देखोगे सही तरीके से हैं कि, फिर वो धरातल में फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी प्रोसीजर्स कई ऑर्गेनाइजेशन में बने होंगे लेकिन फॉलो नहीं हो रहे होंगे। तो दोनों चीज़ें देखना है, पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं कि नहीं है, और दूसरा है वो फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। उसके लिए आप कंप्लायंस और सस्टेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे और ये पता करोगे कहाँ कहाँ वीकनेसेस हैं, जहाँ जहाँ वीकनेसेस हैं वो वीकनेसेस आपको रिपोर्ट करनी। अब क्या होता है कि कई ऑर्गेनाइजेशन में जैसे फॉर एग्जांपल मालूम पड़ा ईआरपी चल रही होगी, ईआरपी टाइम सिंक्रोनाइज्ड ही नहीं होगी, या फॉर एग्जांपल टैली चल रहा होगा, टैली में क्या होगा कि आप वाउचर नंबर डाल रहे होगे लेकिन क्या होगा कि बैक डेट में फिर वाउचर पड़ जाएगा, यानी क्लोज्ड नहीं होगा। तो आपको ये देखना है लॉजिकल कंट्रोल, छोटे छोटे लॉजिकल कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, अगर टैली है उसमें टाइम सिंक्रोनाइज्ड है कि नहीं है, टाइमिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, रेगुलर टाइमिंग आनी चाहिए। कोई अगर आदमी रिपोर्ट उसमें से निकाल रहा है तो उसका टाइम आना चाहिए, लेकिन वो टाइम के साथ, रियल टाइम के साथ सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी ने एक वाउचर पोस्ट कर दिया तो फिर उस नंबर के बाद ही वाउचर पोस्ट करो, है सीरियल मेंटेन होनी चाहिए। कई बार क्या होता है टैली में बैकडेट वाउचर्स डाल दिए जाते हैं पहले, तो ये सारी चीज़ें नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये कंट्रोल वीकनेसेस के एग्जांपल हैं, और यही कंट्रोल वीकनेसेस हम हाईलाइट करेंगे। अगर मालूम पड़ा ये वीकनेसेस अगर हम हाईलाइट करेंगे तो इन वीकनेसेस से हमें फ्यूचर में फ्रॉड होने में या प्रोसीजरल लैप्सेस को रोकने में हेल्प मिलती है।